देखिए, सबसे पहली बात हम ये समझ लें कि शमी के वृक्ष की ही पूजन की मान्यता क्यों है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर विजयादशमी की संज्ञा से धर्मशास्त्र बताता है। धर्मशास्त्र की मान्यता के अनुसार जब देवी भगवती महिषासुर सहित चंड मुंड रक्त बीज आदि का वध करके निवृत्त हुई, उसके बाद 10वें दिन विजयादशमी की संज्ञा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि माता ने सबका वध करने के बाद या सबका उद्धार करने के बाद शमी के वृक्ष के यहाँ पे विश्राम किया था। यह स्थिति युग युगादीन है, अर्वाचीन संस्कृति से संबंधित है। इसमें एक बात और कहने वाली है कि शमी का वृक्ष सिर्फ रावण के दहन काल के बाद का ही नहीं है या राम जी से संबंधित नहीं है। यहाँ पर शमी के वृक्ष की जो मान्यता है वो अर्वाचीन संस्कृति से है। यह भी कहा जा सकता है कि जब से सृष्टि का उदय हुआ है तब से शमी के वृक्ष के वनस्पति तंत्र में विशेष मान्यता है। इसे शक्ति वृक्ष भी कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि यह साक्षात अपराजिता के स्वरूप में है। अपराजिता देवी मूल रूप से शक्ति की अधिष्ठात्र देवी है। ऐसा यह भी कहा गया है कि यहाँ पर इनकी पूजन करने से विजय की प्राप्ति होती है। उसे कभी जीवन में पराजय का मुंह देखना नहीं पड़ता है जो माता अपराजिता की पूजन करता है। अपराजिता के बारे में हमने द्वापर में महाभारत काल के अंतर्गत बहुत सी कथाएं सुनी हैं, जिसमें बर्बरिक का नाम आता है। बर्बरिक ने माता अपराजिता की साधना की थी, वो तीन वाण प्राप्त किए थे। वो तीनों वाणों की ताकत इतनी थी कि समूल नष्ट करने की क्षमता, भले वो ब्रह्मांड हो या तीन लोक हो, उसके पास शक्ति प्राप्त थी। इस बात को ध्यान रखते हुए कृष्ण ने अपनी बातें कही। वो कृष्ण ने उस विषय को लेकर के अलग अलग प्रकार से कथानक प्रस्तुत किया है। हालांकि यह विषय बड़ा है, किंतु शमी के वृक्ष की हम बात करेंगे तो यहाँ पर राम जी ने शमी के वृक्ष के नीचे माता शक्ति की साधना की, जिससे प्रसन्न होकर के माता ने विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वहीं द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को शमी के वृक्ष के यहाँ पे छिपाया था। ऐसी मान्यता है कि शमी के वृक्ष के स्पर्श करने मात्र से ही प्राणी जगत में वर्ष पर्यंत जो भी दोष होते उसकी निवृत्ति तो होती ही है, साथ ही विजय की प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।